आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक्स समझेंगे। तो इस बेसिक्स में हम लोग को पढ़ना है कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो हमको इसमें तीन प्रकार के पढ़ना है, एक ट्रेपेजियम, एक काइट, एक पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। तो ये कहलाता है ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम डिफिनेशन कभी कभार पेपर में आ जाती है कि डिफाइन ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपेजियम एक तरफ क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। यानी और जब ये इस तरह कोई डिनोट करा हो या फिर कोई इस तरह का फिगर हो, ये इसमें इस तरह कोई डिनोट कराओ, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल है। ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन उन लाइन को कहते हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो ये दोनों लाइन यानी ट्रेपेजियम इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है कि कोई एक पेयर, मात्र एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, कोई एक पेयर जो है अपोजिट साइड की, चाहे ये वाली हो जाए चाहे ये वाली, पैरेलल हो, तो उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। तो हो गई हम लोग पढ़ लिए ट्रेपेजियम के बारे में कि कोई भी एक पेयर, जैसे कोई भी ट्रेपेजियम हो ये, तो या तो ये वाली दोनों साइड पैरेलल हो या फिर इस तरह है ये वाली साइड पैरेलल हो, लेकिन कोई एक पेयर, मात्र एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, कंपल्सरी एक ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं, वाले क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। फिर आता है काइट। काइट यानी वही जो हम लोग उड़ाया करते हैं पतंग। इनमें क्या होता है, इनमें अब सबसे पहले मैं आपको इनमें बता दूँ कंजिक्यूटिव वगैरह। जैसे कोई स्क्वायर है, इसका कंजिक्यूटिव साइड्स बोलेंगे, तो कंजिक्यूटिव मतलब इसके पहले भी मैं आपको इस मतलब बताया हूँ, कंजिक्यूटिव साइड्स मतलब होता है लगातार। तो जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कोई दो साइड लगातार, चाहे ये वाली ये ले लें, चाहे ये वाली और ये वाली ले लें, इस तरह कोई भी दो साइड लगातार। तो काइट उस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिनमें दो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड हैं, ये और ये, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल होती है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसको ये इस तरह का जब क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसको हम कहते हैं काइट, यानी कि पतंग। यानी कि ये दो कंसेक्यूटिव साइड्स थी, इन दोनों को आप भूल जाएगा, इन दोनों को नहीं, ये अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में इस तरह की दो कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल दिखें और ये वाली दो कंसेक्यूटिव साइड्स ये दोनों इक्वल दिखें, यानी ये वाली ये इसका मतलब होता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, दो हैं, और यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल हो, तो वहाँ पर वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम कहते हैं काइट। तो ये हमने काइट के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम ये कहलाता है, पैरेललोग्राम यानी कि हम लोग इसको समझा करते हैं अपनी भाषा में कि तिरछा रेक्टेंगल, यानी ऐसा रेक्टेंगल जो हल्का लेटा हुआ हो या फिर किसी और तरह का। इसकी डेफिनेशन होती है, पैरेललोग्राम को ये पैरेलल लाइन और GM से भी डिनोट करते हैं। तो अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिनमें दोनों जो हैं ये पैरेलल का सिंबल होता है, ये जो 11 तरह इस तरह ये होता है पैरेलल का सिंबल, यानी कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल हो और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो, तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि जिसमें दोनों साइड पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये ए बी सी डी, तो ए बी ये वाली लाइन जो है ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल टू सी डी होए, और ए डी पैरेलल टू बी सी, इसको कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। यानी इस तरह का कहीं पर भी अगर क्वाड्रिलेटरल दिख जाए जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं, दोनों पेयर की अपोजिट साइड्स पैरेलल आए, तो उसको कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है,
जैसे सोचा आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जब एंगल इक्वल होता है तो इसको अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये x है तो भी x होगा, इसी तरह ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। अपोजिट, ये देखिए इसके सामने ये आ रहा है यानी ये दोनों इक्वल, इसके सामने ये आ रहा है यानी ये दोनों इक्वल। अगर ये y है ये भी y होगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल भी होगी और इसके इक्वल भी होगी। इसी तरह ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी और इसके इक्वल भी होगी। ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यह पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब तो हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया कि वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल। अब अगर डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल का ये है डायगोनल, यानी कि ये ए सी और बी डी डायगोनल है। डायगोनल वो कहलाते हैं, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ें, जो वर्टिसेस इनको ये इनको कहते हैं जहाँ पर दो लाइन मीट करती है, तो ये दोनों तो कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो एक ये और एक ये नॉन कंजिक्यूटिव लगातार नहीं, इनको जो जोड़ते हैं उनको कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। बाइसेक्ट क्या मतलब, बाइसेक्ट मतलब कि एक दूसरे को जब काटते हैं तो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। जैसे कि ए है तो ये ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल टू ये दोनों। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें ये वाला एंगल यानी एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कौन सी प्रॉपर्टी से होता है, या फिर पिछले साल भी पढ़े होंगे, इसको कहते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स इक्वल होते हैं। बस इतना ही होते हैं पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स, और एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।